नमस्कार दोस्तों, सोच विचार करने में समय लगाएं, लेकिन जब काम का समय आए तो सोचना बंद करें और आगे बढ़ें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान राशिफल में। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को 4 मई दिन बुधवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और सिंह राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज वीडियो में आपको बताएंगे सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज वीडियो में आएगा शंपू राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज बुधवार है, सरस्वती माँ का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय सरस्वती माँ लिखें, सरस्वती माँ आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 4 मई 2022 दिन बुधवार, आज की तिथि तृतीया, आज का नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 5:38 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 6:57 पर। दोस्तों आज का शुभ समय कोई भी नहीं और आज का अशुभ समय है सुबह 11:51 से दोपहर 12:44 तक रहेगा। अगर दोस्तों आज आपको शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आप इस समय ना करें, आपके लिए अशुभ होगा। साथ ही आपको बताएं आज आपका लकी नंबर है 4 और शुभ रंग है सफेद और लाल। दोस्तों अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो दोस्तों आज आपको आराम करने और करीबी दोस्तों व परिवार के साथ गुस्से के कुछ पल बिताने की जरूरत है। आज घर से बाहर बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकलें, इससे आपको धन लाभ हो सकता है। किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ से मिली आकस्मिक अच्छी खबर आपके पूरे परिवार के लिए खुशी के लम्हे लाएगी। अपनी व्यक्तिगत भावनाएं और गोपनीय बातें अपने प्रिय से बांटने का सही समय नहीं है। हितकारी ग्रह कई ऐसे कारण पैदा करेंगे जिनकी वजह से आज आप खुशी महसूस करेंगे। जीवन साथी की ओर से जानबूझकर भावनात्मक चोट मिल सकती है जिसके चलते आप उदास हो सकते हैं। रात के वक्त आज आप बिना किसी को बिताए घर से बाहर निकल सकते हैं क्योंकि आपके दिमाग में कोई उलझन रहेगी और आप उसका हल नहीं ढूंढ पाएंगे। साथ ही साथ आपको बताएं कुछ रचनात्मक करने के लिए अपने दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करें। अचानक नए स्रोतों से आपको धन लाभ मिलेगा जो आपके दिन को खुशनुमा बना देगा। जरूरत के वक्त आपको दोस्तों का सहयोग मिलेगा। एक बार आप अपने हम कदम को हासिल कर लें तो जिंदगी में किसी और की जरूरत नहीं होती, इस बात को आज आप गहराई से महसूस करेंगे। इस राशि के लोग बड़े ही दिलचस्प होते हैं, ये कभी लोगों के बीच रहकर खुश रहते हैं तो कभी अकेले में। हालांकि अकेले वक्त गुजारना इतना आसान नहीं होता है, फिर भी आज दिन में कुछ समय आप अपने लिए जरूर निकाल पाएंगे। छोटे छोटे मामलों को लेकर हुए आपके आपसी झगड़े आज आपके वैवाहिक जीवन में कटुता को जन्म दे सकते हैं, इसलिए आपको चाहिए कि दूसरों के कहने और बहकावे आप नहीं आए। किसी को काम देने से पहले उस काम के बारे में आपको खुद भी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं आज आपको आराम करने और करीबी दोस्तों व परिवार के साथ खुशी के कुछ पल बिताने की जरूरत है। वे आर्थिक लाभ जो आज मिलने वाला था टल सकता है। रिश्तेदारों के यहाँ छोटी यात्रा आपके भागदौड़ बड़े दिन में आराम और सुकून देने वाले साबित होगी। रोमांस के लिए बढ़ाए गए कदम असर नहीं दिखाएंगे। अपने काम और प्राथमिकताओं पर ध्यान एकाग्र करें। दीर्घ अवधि में कामकाज के सिलसिले में की गई यात्रा फायदेमंद साबित होगी। आर्थिक स्थिति ठीक है पर आपकी योजनाएं बहुत बड़ी हैं जिसके चलते परिस्थितियों के आकलन में आपसे गलती भी हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं आपके बिजनेस में खूब सफलता मिलेगी। आज किसी मल्टीनेशनल कंपनी से आपकी बड़ी डील साइन हो सकती है जिससे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। साथ ही घर में परिवारजनों के साथ समय आनंदपूर्ण बीतेगा। शाम के स्वादिष्ट भोजन का आनंद आप ले सकेंगे। इस राशि के लोग जो अब विवाहित हैं आज उन्हें विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। हो सकता है कि विवाह प्रस्ताव स्वीकार भी कर लें। साथ ही पैसे के लेन देन को लेकर सफल रहेंगे। लवमेट के साथ आप किसी लॉन्ग ड्राइव पर भी जा सकते हैं जिससे आपके रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेगी। आप सूर्य को डेली जल अर्पित करें तो इससे आपके धन धान्य में बढ़ोतरी होगी।
साथ ही साथ आपको बताएं, आज का दिन आपके लिए कुछ मेहनत भरा रहेगा। मकान दुकान आदि की मरम्मत संबंधी प्लानिंग होगी। महिलाएं सुंदरता निखारने के लिए ब्यूटी ट्रीटमेंट करवा सकती हैं। जीवन साथी की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। जो लोग प्रेम जीवन में हैं उन्हें आज सुखद नतीजे मिलेंगे। आय धन की बचत कैसे की जाए इस बात पर आप गंभीरता से गौर करेंगे। व्यापार के सिलसिले में अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित हो रहे विवाद आपको सफलता दिला सकते हैं। काम के सिलसिले में नतीजे बेहद अच्छे होंगे और आपके साथ काम करने वाले लोग भी आपकी मदद करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएं, एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स मिल सकते हैं। अपोजिट जेंडर वालों की मदद से आपको इस राशि में धन लाभ भी हो सकता है। कोई धार्मिक स्थल से जुड़ी यात्रा आपके लिए काफी आनंददायक रहेगी। परिवार के साथ इन यात्राओं पर जाकर आपको आत्म शांति का अनुभव होगा। सिंगल लोगों की लाइफ में कोई नया व्यक्ति आ सकता है। साथ काम करने वाले किसी व्यक्ति पर भी आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा। कुछ लोगों के चश्मे का नंबर भी कम हो सकता है। घर में किसी बुजुर्ग या माता पिता के सेहत को लेकर आप में टेंशन रह सकती है। इंक्रीमेंट और प्रमोशन के योग बढ़ रहे हैं। आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो आपको अच्छे ऑफर भी मिल सकते हैं। अपना बिजनेस बढ़ाने का प्लान बना सकते हैं या फिर कोई नया उद्योग शुरू करने जा रहे हैं तो आपको बड़े भाई बहनों से लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपको बताएं, अपने साथी के साथ बहुमूल्य समय बिताते हुए आप इस दिन का आनंद लें। एक नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। आपको किसी करीबी से अप्रत्याशित से उपहार प्राप्त हो सकता है। आज के दिन का आनंद अपने दोस्तों के साथ आप ले सकते हैं। आपको अपने काम के लिए मान्यता और पुरस्कार प्राप्त होंगे। सहकर्मी और महत आपके लक्ष्यों को पूरा करने में आपके लिए मददगार साबित होंगे। सकारात्मक और रचनात्मक पहल करने के लिए आपके पास समय अच्छा है। आराम और सुख सुविधाओं का आनंद लेने के लिए आपके पास पर्याप्त साधन होंगे। साथ ही आपको बताएं, आज आप आसपास के लोगों के साथ अपने आप को अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे। आप अपनी कूटनीति और आकर्षण के जादू के माध्यम से दूसरों पर विजय पा सकेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आपके प्रेम जीवन की बात करें तो जो लोग अब तक सिंगल या अकेले हैं उनके जीवन में कोई प्यारा साथी दस्तक दे सकता है। अपने प्रेम जीवन को गहराई देने का और एक दूसरे के प्रेम को समझने का दिन है। साथ ही परिवार जनों का सहयोग व आपके आत्मविश्वास और आपके आत्मबल को बनाकर रखेगा और आप तनाव मुक्त होकर आज आप अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। परिवार आपकी प्राथमिकता पर रहेगा और आपका जीवन साथी आपकी परिस्थितियों में पूर्ण सहयोग देगा। साथ ही साथ माता पिता व घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व स्नेह आपके आत्मविश्वास को बनाकर रखेगा। साथ ही दोस्तों, आपको बताएं, घर परिवार में आज शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा। संतान की पढ़ाई लिखाई पर सेहत पर आपको ध्यान देते रहना चाहिए और किसी पुराने मित्र के मिलने से आपको बहुत खुशी होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें। यदि आपको किसी प्रकार का पुराना दर्द या पुरानी बीमारी है तो आज आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा और काम की अधिकता की वजह से आज आप थकान महसूस करेंगे। इसलिए आपको आयुर्वेदिक चीज़ों का सेवन करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य को और भी अधिक अच्छा रखने के लिए आप अपने खान पान का ध्यान रखें और रोजाना योग व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके।